यार मेरे मंथली एक्सपेंसेस तो खत्म हो गए हैं यार। तुम बाहर जाके बहुत फिजूल खर्ची करते हो यार। ये तो तुम्हारी बात ठीक है, मैं बाहर तो बहुत जाता हूँ, तो मुझे अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करना होगा। यार महीने का आखिर है, लेकिन मेरे पास पैसे अभी भी पड़े हुए हैं, मेरा बजट शॉर्ट नहीं हुआ। तो क्योंकि मैं अपने पैसे हेल्दी और बेसिक डाइट पे खर्च करता हूँ, ना कि बाहर जाकर फिजूल खर्ची करूँ। तुम तो बाहर जाकर फिजूल खर्ची करते हो। यार तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें अपने पैसे बेसिक डाइट और हेल्दी डाइट पे खर्च करना चाहिए, ना कि बाहर जाके फजूल खर्ची करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं बैठा हूँ इकबाल हाल की छत पे, और हमारा टॉपिक है आज के मंथ, एक महीने में हॉस्टल में कितने मंथली मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। तो वीडियो इसी पर है, हम स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि उनके कितने एक महीने में पैसे खर्च हो जाते हैं। तो क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो अब पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरे कितने पैसे लगते हैं। यार मेरे तकरीबन कोई 15-16 हज़ार रुपये लग जाते हैं, वो भी अगर मैं थोड़ा टाइट रहूँ, अगर मैं थोड़ी जैशी की तरफ चले जाऊँ तो 20 हज़ार कहीं नहीं गया, और अगर मैं थोड़ा मतलब कंट्रोल करके चलूँ तो 12 हज़ार तक गुजारा हो जाता है। यार कितने पैसे लगते हैं महीने में? मेरे सर जी तकरीबन 18 से 20 हज़ार लग जाते हैं महीने में। अच्छा, अगर मसलन ज़्यादा अगर बाहर वगैरह चले जाएं तो तकरीबन 22 से 23 हज़ार लग जाते हैं। जैसे कि आपने बताया, अगर बिल्कुल ही बंदा कंजूस बन के रहे तो फिर 15 हज़ार तकरीबन लगता है। बात यह है भाई, अगर हम करें अय्याशी तो 20 हज़ार तो कहीं नहीं गया, और अगर मैस्की रूखी सूखी खा लें तो 12 हज़ार 15 हज़ार में भी गुजारा हो ही जाता है हमारा तो। मेहरान, व्हाट आर योर मंथली एक्सपेंसेस? गोडसी माई मंथली एक्सपेंसिज आर 12 to 14 thousand rupees। ओके, कम क्यों है इतने? यार काम इस वजह से है कि ना, इधर हॉस्टल में दावत इस्लामी वाले सुन्नत रोज़ा रखवाते हैं, जुमे रात और पीर का, तो वो मैं रोज़े रख लेता हूँ, इस वजह से कम लगते हैं। सही। मेहरान, सहरी इफ्तारी फ्री होती है दावत इस्लामी के? हाँ यार, वो हमारी सहरी और इफ्तारी बेहतरीन अंदाज में फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस भाई ने रोज़ा रखना हो युवास हॉस्टल से, वो हाफिज अरसलान तारी फाइनल ईयर फार्मासिस्ट से रब्ता कर सकते। ओके, व्हाट आर योर मंथली एक्सपेंसेस? एज अ हॉस्टल लाइट मेरे मंथली एक्सपेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि घर वालों से आते हैं तकरीबन मंथली 15 हज़ार 16 हज़ार, तो हमारी अय्याशी खत्म नहीं होती। तो शुरू में तो हम जब आते हैं तो हम तो अय्याशी करते हैं, फुल अय्याशी, मतलब हीरा जरगा, का बिरयानी, रेंचर, न्यूयॉर्कर, मैकडोनल्ड, ये वो। लेकिन जब एंड के डेज होते हैं तब हमें टाइप करना पड़ता है और हमारे हालात बुरे हो जाते हैं, और फिर आखिरी दिनों में हम गरीब हो जाते गरीब हो जाते हो? गरीब हो जाते सेम हैं। केस यार ब्रो। सेम केस। सो लेट मी कंक्लूड दिस डिस्कशन के कितने पैसे लगते हैं आपके हॉस्टल में एक महीने के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप खाना भी खाओ ना, तो सुबह का नाश्ता तकरीबन 150 रुपये, दोपहर का नाश्ता तकरीबन इतने लग जाते हैं, 100-150, फिर रात का खाना फिर 100-150। तो अगर आप कोई और चीज़ भी खाओगे, दूध फ्रूट भी खाओ, तो आपका 550 तक लग जाता है। तो इस लिहाज से बनते हैं तकरीबन 15 हज़ार। लेकिन अगर आप बाहर भी जाओ, रेंचर्स या मतलब किसी फूड पॉइंट पे आप बाहर खाना खाने के लिए जाओ, काज बिरयानी या जहाँ भी आप चाहते हैं खाना खाना आउटिंग के लिए, तो फिर आपके 18 हज़ार या 20 हज़ार तक लग जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सिंपल रहना है, सादा पर यहाँ पर रहना है, या शुक्र शादी करनी है, बाहर जाना है और थोड़ा मतलब इन्जॉय करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सिंपल रहोगे तो कम लगेंगे पैसे, अगर आप थोड़ा जैशी की तरफ जाओगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे।